जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज़ में। दोस्तों, न्यूज़ होने वाली है सुखोई 30 MKI को लेकर। भारत अपने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI का वर्तमान चुनौतियों के हिसाब से अपग्रेडेशन की योजना बनाई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा भारत 30 सुखोई 30 MKI विमान रूस से खरीदना भी चाहता था। इस योजना में भारत स्वदेशी निर्मित सामग्रियों का समावेश ज़्यादा करना चाहता है, इसलिए ये योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस आगे बात करते हैं इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग। भारत वायुसेना में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण भारत को अपनी वायुसेना की ताकत में और इजाफा करने की ज़रूरत है। इस कड़ी में भारत ने रूस को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने का समझौता किया था, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और आत्मनिर्भर भारत के कारण इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। NI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब अधिक से अधिक इन फाइटर जेट के कलपुर्जे को खुद स्वदेशी तकनीक से बनाना चाहता है। यही कारण है कि रूस से लगभग 35,000 करोड़ रुपए का समझौता फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। रूसी ये उससे आयात सुखोई 30 MKI भारत वायुसेना की महत्वपूर्ण ताकत है। एयरफोर्स के बेड़े में 272 सुखोई MKI लड़ाकू विमान है। इसे समय समय पर रूस से ही मंगवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुखोई लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन के अलावा भारत अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI विमानों के सौदे में भी कुछ देरी हो सकती है। रूस के साथ वह सौदा करीब 20,000 करोड़ रुपए का था। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत इन विमानों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री जोड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कई विदेशी सौदे को रद्द कर दिया है। अब सभी रक्षा सामग्री भारत में ही बनने का नियम बना दिया गया। अत्यधिक जरूरी होने पर ही विदेश से किसी रक्षा सामग्री का आयात किया जा सकता है। इसके लिए रक्षा मंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य है। भारत ने हाल ही में 30 से 40 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का ऑर्डर रूस को दिया था। इस सौदे के तहत रूस भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास अलग अलग तरह की किट्स भेजता से नासिक सेंटर में असेंबल किया जाता है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत में 85 सुखोई 30 MKI के वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अपग्रेडेशन किया जाना था। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए की लागत से विमानों को अधिक शक्तिशाली रडार और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स युद्धक क्षमताओं से लैस करना था। क्योंकि ये विमान रूस से भारत को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका अपग्रेडेशन कर इसकी ताकत को बढ़ाना था। भारत को जब भी लड़ाकू विमानों की जरूरत हुई तब तब उसने रूस पर ही ज़्यादा निर्भरता दिखाई। इन विमानों की आपूर्ति रूसी निर्माता HAL को आधी या पूरी तरह से अलग किट्स से इन विमानों की आपूर्ति रूसी निर्माता HAL को आधी या पूरी तरह से अलग किट के रूप में करते हैं। इसके बाद नासिक में स्थित HAL के केंद्र में इसे असेंबल किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यूक्रेन युद्ध को देखते हुए फिलहाल इस परियोजना पर काम बंद है। युद्ध के कारण भारत को स्पेयर मिलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि स्थिति सामान्य होने पर भारत के स्पेयर मिलने लगेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा बलों की सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद।